हेलो मेरे प्यारे व्यूअर्स, वेलकम टू राशि की रेसिपी। हर टाइम हम जब भी चिकन बनाते हैं, जो इंग्रेडिएंट यूज़ करते हैं उसी इंग्रेडिएंट से आज हम बनाने वाले हैं चिकन बुना मसाला। तो चलिए हम हमारी रेसिपी जल्दी से स्टार्ट करते हैं। लेट्स डू कुकिंग। तो सबसे पहले मैंने यहाँ आधा किलो चिकन ले लिया है। हम हमारे चिकन को मैरिनेट कर लेंगे, तो उसी लिए मैंने उसमें डाल दिया है एक बड़ा चम्मच लाल मिर्ची पाउडर। उसी के साथ हमने डाल दिया है धनिया पाउडर और गरम मसाला। उसी के साथ हम इसमें डाल देंगे अदरक लहसुन पेस्ट और नींबू का जूस। आप यहाँ अदरक लहसुन की पेस्ट जो है ये ज़रूर डालिएगा, इससे आपका जो चिकन है इसका जो फ्लेवर है वो बहुत अच्छा आता है। उसी के साथ हम इसमें डाल देंगे एक चम्मच तेल और उसी के साथ साथ हम इसी में डाल देंगे नमक। अब इसको आप यदि स्पून से मिक्स करना चाहते तो स्पून से करिए, या आप हाथ से करना चाहते तो आप इसको हाथ से भी अच्छे से चिकन को सारे मसाले लगा दें और इसको आधे घंटे के लिए ऐसे ही छोड़ दें। यहाँ हम चिकन भुना मसाला बनाने वाले हैं, इसीलिए इसके मसाले देख लेते हैं। हमने यहाँ ले लिए 3 से 4 लौंग, 1 चम्मच जीरा, 1 चम्मच बड़ी शेप, तेज पत्ता, 3 से 4 लाल मिर्च, 1 चम्मच खड़ा धनिया, 1 दालचीनी का टुकड़ा, 1 मसाला इलायची। तो सबसे पहले हम यहाँ गैस पे कढ़े रख देंगे। कढ़े हमारी गर्म हो गई है, उसमें हम हमारे जो सारे मसाले इनको भून लेंगे। आपको यहाँ आपके जो मसाले इनको यहाँ बहुत अच्छे तरीके से भूनना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम यहाँ चिकन भुना मसाला बना रहे हैं, इसीलिए हमको हमारे जो मसाले ये बहुत अच्छे तरीके से भूनना है, क्योंकि उसी से हमारे चिकन में बहुत अच्छा सा एक फ्लेवर और एक टेस्ट आएगा और हमारा जो चिकन ये खाने में बहुत ही यम्मी और डिलीशियस बनेगा। तो फ्रेंड्स, आप मेरी ये रेसिपी घर में ज़रूर ट्राई कीजिए और मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो उसी के बाद मैंने फिर से वही कढ़े ले लिए, उसमें 2 बड़ा चम्मच तेल डाल दिया। उसी के साथ हमने इसमें डाल दिया 1 चम्मच घी। हमने यहाँ 3 से 4 प्याज ले लिए थे, जिनको हमने रफली चॉप कर लिया था। अब तेल हमारा गरम हो गया है, तो गरम तेल में हमने हमारे प्याज जो है वो डाल दिए। प्याज को आपको यहाँ बहुत अच्छे तरीके से भूनना है। उसी के साथ साथ हम इसमें डाल देंगे अदरक लहसुन की पेस्ट। आप जब भी नॉनवेज की कोई भी रेसिपी बना रहे होंगे तो उसमें लहसुन और अदरक इन दोनों का सेमी मेजरमेंट लें, और सेमी मेजरमेंट से हमारी रेसिपी में आप जब भी डालेंगे उससे आपकी जो रेसिपी है उसका जो टेस्ट है ये और बढ़ जाएगा। उसी के साथ साथ हम इसमें डाल देंगे हमारे मसाले। तो मसालों में मैंने यहाँ ले लिया है लाल मिर्च पाउडर 2 बड़े चम्मच, गरम मसाला और 3 बड़े चम्मच हमने यहाँ ले लिया है चिकन मसाला। आप यहाँ आपके पसंद के अनुसार कोई भी चिकन मसाला यूज़ कर सकते हैं। अब हम हमारे जो सारे मसाले इनको भी अच्छे से भून लेंगे। हमने हमारे मसालों को 1 से 2 मिनट के लिए भून लिया है। उसी के बाद हम इसमें डाल देंगे टमाटर की प्यूरे। मैंने यहाँ 3 टमाटर ले लिए थे, उनको मिक्सी में पीस लिया था, तो उनकी एक प्यूरी बना ली थी। उसी के साथ साथ जो हमने मसाले भुने थे वो भी इसी के साथ डाल देंगे, और सारे जो मसाले हैं हम इनको बहुत अच्छी तरीके से यह भुनने वाले हैं। फ्रेंड्स, आप कोई भी रेसिपी बना रहे होंगे तो आपको जो है आपकी जो मसाले इनको यह भुनना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब आप आपके जो मसाले इनको बहुत अच्छे तरीके से भूनते हैं तभी इसमें टेस्ट बहुत अच्छा आता है। उसी के साथ साथ हम इसमें डाल देंगे हमारे स्वाद के अनुसार नमक। फ्रेंड्स, हमारे मसाले यहाँ 2 से 3 मिनट के लिए हमने इनको अच्छे से भून लिया था, तो ये भी भून के रेडी है। अब इसमें हमने जो मैरिनेट किया हुआ था चिकन था वो डाल देंगे। जब तक चिकन का पानी सूख नहीं जाता तब तक हम इनको पहले पका लेंगे।
चिकन का भी यहाँ पानी सूख चुका है, तो हम इसमें गरम किया हुआ, बिल्कुल बॉईल किया हुआ पानी हम इसमें डाल देंगे। मैं यहाँ चिकन बुना जो है वो थोड़ा सा ग्रेवी वाला बनाने वाली हूँ। आपको यह बिल्कुल सूखा चिकन बनाना हो तो बस आप इसको ढक्कन लगा दीजिएगा और ढक्कन लगा के इसको पका लीजिए। पर मैंने इसमें थोड़ा सा गर्म किया हुआ पानी डाल दिया है, तो इसी के साथ मैं इसको पका लूँगी। अब इसमें हम डाल देंगे थोड़ी सी कसूरी मेथी। कसूरी मेथी डालने से हमारा जो चिकन भुना मसाला इसकी बहुत अच्छे से खुशबू आती है। तो हमारा जो चिकन है यहाँ पक के रेडी है। फ्रेंड्स, आप मेरी ये रेसिपी घर पे ज़रूर ट्राई कीजिए। हमारा यम्मी डिलीशियस चिकन यहाँ बन के रेडी है। मेरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।